धान की खेती की बात करते हैं। धान की खेती के अंदर सबसे पहले ये गर्म व नम जलवायु के अंदर उगाई जाने वाला एक क्रॉप है। इसको इसकी खेती सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में की जा सकती है। खेती की रोपाई करके या सीधी बुआई करके भी की जा सकती है। इसकी मुख्य जो प्रजातियां हैं उसकी बात करते हैं तो सिंचित क्षेत्र हेतु कुछ प्रजातियां हैं, जैसे रत्ना, गोविंद, अश्विनी, पंत धान 4, IR 50, सरजू 50, पंत धान 10, साकेत 4। इसके अलावा कुछ जैसे पूसा 11, पूसा 18, पूसा 12, इस प्रकार की 14 झोना, इस तरह की भी यूज की जाती हैं। अनुसूचित क्षेत्र हेतु कुछ प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, जो जिनमें सिंचाई की सुविधा नहीं है लेकिन पानी अच्छे होने की वजह से वो कर देते हैं। संकर प्रजातियां, कुछ संकर प्रजातियां हैं। इसके अलावा कई कंपनियां जैसे पायनियर, बायर, इनकी कंपनी धान, हाइब्रिड धान भी आता है। खेत की तैयारी के लिए इसकी जो भूमि है वो मटियार एवं दोमट होनी चाहिए, और 2 से 3 जुताइयां जो कल्टीवेटर या रोटावेटर से आपको करनी पड़ती है। पानी को अधिक समय तक रोकने हेतु खेत में जो चारों तरफ से मेढ़बंदी होती है, और रोपाई करने के पूर्व खेत में पानी भरकर जुताई करके पाटा लगाना व खेत को समतल बना लेना चाहिए। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं कद्दू करना, वो भी इसके अंदर किया जाता है। बीज की मात्रा एवं रोपाई, सीधी बुवाई हेतु 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग 15 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। सामान्य प्रजातियों में पोत डालकर प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु 30 से 35 किलो प्रति एकड़, मतलब 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लगती है। संकर प्रजातियों में पौध द्वारा लगाने पे 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब आपको लगभग लगभग 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना पड़ेगा। बीज शोधन हेतु 25 किलोग्राम बीज को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 75 ग्राम थायरम या जैसे डेंटोटसू या काउचो से आप ट्रीट कर सकते हैं। पौध तैयार करने वाले खेत में कड़ी धूप होने पर पानी निकाल देना चाहिए। धान के पौध की रुपाई का समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य तक होता है। धान की रुपाई हेतु पौध 21 से 25 दिन की उपयुक्त होती है। रुपाई में लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर रुपाई करनी चाहिए। खाद के लिए खेत की आखिरी जुताई करने पर 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, और मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक रहता है। फिर भी आप 120 किलो नाइट्रोजन, मतलब लगभग आपको 4 कट्टे यूरिया के सॉरी 120 किलो नाइट्रोजन मतलब 240 लगभग 240 किलो यूरिया और 60 किलो फास्फोरस, इसका मतलब हुआ लगभग 4 कट्टे फास्फोरस तथा 60 ग्राम पोटास, ये पोटास की मात्रा जो है 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के रूप में आपको यूज़ करनी चाहिए। नाइट्रोजन की चौथाई मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल देनी चाहिए, और उसके बाद में जो नाइट्रोजन उसको उसकी 2-3 बार में, जैसे आप 10 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, फिर 15 दिन पे दूसरी, फिर 21 दिन पे, और एक लास्ट में 30-35 दिन पे आपको खाद लास्ट डालनी चाहिए। तो 3 से 4 बार उसको अगर डालते हो तो अच्छा रहता है। वो दाना बनने के बाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई भाई लोग कुछ उर्वरक डाल देते हैं, वो नुकसान कर देते हैं। सिंचाई के धान को जो पानी की मात्रा लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है, और रोपाई के 1 सप्ताह बाद तक कल्ले फूटने, बाल निकलने, फूल निकलने से दाना बनने समय तक खेत में पानी बना रहना अति आवश्यक है। अगर इन अवस्थाओं पे पानी नहीं रहा तो फिर
ये विपरीत प्रभाव रखेगा। फूल खिलने की अवस्था पानी के लिए अति संवेदनशील है। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी या पेडी वीडर का प्रयोग करके खरपतवार को निकालकर खेत को साफ रखना चाहिए। इसके अलावा ब्यूटाक्लोर ग्रेन्यूल 30 से 40 किलोग्राम पेंडामिथली या फिर पटीला क्लोर या फिर टॉप स्टार जैसे जो आप इसको धान की रोपाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रोग नियंत्रण के लिए इसमें कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे सफेदा रोग, जीवाणु झुलसा, सीप झुलसा, भूरा धब्बा, जीवाणुधारी झोंका तथा खैरा रोग। सफेदा रोग जो क्या होता है, सफेदा रोग लोह की कमी के कारण नर्सरी में लगता है। इसमें पत्तियां सफेद हो जाती हैं, तो इसमें आप आयरन की स्प्रे कर सकते हो और आयरन सिलेटेड लोहा आता है उसकी स्प्रे आप करोगे तो इसका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है वो है जीवाणुधारी रोग। पत्तियों पर कथई रंग की लंबी लंबी धारियां नसों के बीच में पड़ जाती है। 5 किलो फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव प्रति 5 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। पत्तियों का भूरा धब्बा, पत्तियों पर गहरे कथई रंग के गोल या अंडाकार धब्बे बन जाते हैं और धब्बों के चारों तरफ पीला सा घेरा बन जाता है। इसके लिए जायरम 80% का 2 किलो अथवा जीरम 27 cc का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव। जीवाणु झुलसा, पत्तियों की नोक या किनारे सूखने लगते हैं और एक बिल्कुल जो है वो एक लाल कलर का एक खेत के अंदर पूरा वो चलने लगता है। इसमें कई बार कहा जाता है कि जैसे अगर कुत्ता भी खेत के अंदर से निकल गया तो उसके साथ साथ ये फैल जाता है, मतलब संक्रामक है ये। तो इसके लिए आपको 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कोप्रोक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। वेलेडासीन 500 ml प्रति हेक्टेयर के दर से अगर छिड़काव किया तो भी अच्छा है। सीप झुलता, पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और नीचे जो उसका जो सीथ बोलते हैं, जिसको नीचे उसका जो तना होता है उसके ऊपर धब्बे बनते हैं, जैसे कपड़े अपने सफ़ेद कपड़े मैले हो जाते हैं तो उसमें जिस टाइप के धब्बे बनते हैं वैसा वैसे धब्बे उसके ऊपर धान पे या झोने पे बनते हैं। उसमें खड़ी फसल पर लगभग 1.5 ग्राम थायोफिनोट मिथाइल, 1 किलोग्राम कार्बनिज्म का घोल बनाकर 700 से 800 लीटर पानी में आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे अच्छा कारगर जो उपचार होता है वो वेलिडासिन दवाई से होता है। वेलिडासिन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 35 से 40 दिन पे आपको ज़रूर डाल देनी चाहिए, तो आपके खेत में जो झुलसा है वो 20 दिन तक नहीं आएगा। फिर दोबारा से झुलसे के लिए 500 ml जो है वेलिडासिन डाल दीजिए, उससे कई प्रकार के फंगस की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पत्ती लपेटक, अब ये पत्ती लपेटक जो है धान का मुख्य कीड़ा है और इससे मतलब धान में जो पत्तियां हैं उनको जोड़कर जालीनुमा रचना बना लेता है और ये जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कई प्रकार के चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो। हालांकि ये जो दवाई बताई गई है वो थोड़ी पुरानी हो गई, इसके लिए कई दवाइयाँ मार्केट में जैसे डेनिडोल है, कराटे है, मियोथ्रिन है और सुमिताज 50 SPB भी आप प्रयोग कर सकते हो। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का मुख्य यूज आप कर सकते हो। इसके बाद में गंदी बग की बात आती है। शिशु तथा प्रौढ़ अवस्था में दानों से रस चूस लेते हैं जिसके फलस्वरूप दाने बनते हैं। इसके लिए मेलाथियन या फिर जो भी आप डेनिडोल, कराटे, लैम्डा ये चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हो जी। खैरा रोग जो है वो दस्ते की कमी के कारण होता है और पत्तियां पीली जाती है, बाद में कथई धब्बे बनते हैं। इसके उपचार के लिए आप 5 किलो जिंक आप डाल सकते हो, 20 किलो यूरिया और बुझे चूना में 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव। कीट नियंत्रण में दीमक है, दीमक के लिए आप डेनिटोल या क्लोरोपाइरिफोस या इसके अलावा जैसे फिप्रोनिल वगैरह आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें पहली सिंचाई के टाइम पे आप
उसके साथ में आप डालो। सैनिक कीट के लिए, सैनिक कीट जो है वो लास्ट के समय में आता है, और इसको पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे कर दो कोई भी, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। कटाई एवं उपज के लिए